नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों की तरफ। आगरा के नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी की रहने वाली डॉक्टर उषा यादव को मिला पद्मश्री सम्मान। उषा यादव ने 100 से ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं, साथ ही केंद्रीय हिंदी संस्थान में प्रोफेसर के पद पर भी रही। उषा यादव, दरअसल बहुत बड़ी संख्या है किताबों की, मैंने बच्चों के बड़ों के दोनों के लिए लिखा है और सभी विधाओं में लिखा है, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी, समीक्षा, तो सभी विधाओं में लिखा है और कुल संख्या 100 से ज्यादा है और ये बहुत लोकप्रिय रही है मेरी पुस्तकें। अच्छा, जैसा कि अभी 100 से ज्यादा पुस्तकें आप लिख चुकी हैं जी, अब तक अगर बात करें तो आपकी कौन कौन सी पुस्तकों को सबसे ज्यादा पढ़ा गया है और पुरस्कृत किया गया है? एक तो मैं नाम लेना चाहूंगी, प्रभात प्रकाशन दिल्ली से छपी है काहेरी नलिनी, तो ये उपन्यास जो है नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण की समस्या पर है और इस उपन्यास को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने अखिल भारतीय वीर सिंह देव सम्मान से सम्मानित किया है, तो इतना उपन्यास को वहां तक पहुंचना, उसको उसने अपनी पहचान बनाई और उसके बाद में ये मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये मतलब देश विदेश पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये उपन्यास इसके संस्करण पे संस्करण हुए हैं और बहुत पाठकों के बीच में उपन्यास के नाम पे मैं इसी का नाम सबसे ज्यादा लेना चाहूंगी। और अभी जो गत वर्ष मुझे उसके हिस्से की धूप, जो संकटग्रस्त बचपन, बचपन बचाओ, ये जो आजकल नारे चल रहे हैं, जो जिन पर हमारे लोग सरकार सोच रही है, समाज सोच रहा है, अभिभावक सोच रहे हैं, विद्यालय सोच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है, तो उसको ऊपर लिखा है उसके हिस्से की धूप, ये भी बहुत बहुत पढ़ा गया है, बहुत चर्चित। अच्छा, अब भारत सरकार ने आपको एक सम्मान देने की घोषणा की है, किस पद से आपको सम्मानित किया जाने वाला है? ये पद्मश्री सम्मान है। अच्छा, पद्मश्री के लिए आपकी घोषणा हो गई आगरा से? घोषणा रात को हुई है जी, हाँ आप सही कह रहे हैं। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? ये तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बहुत मेरे लिए, जो मेरे काम है लंबा, एक मुझे लगता है कि शायद मैं 5 दशक से लेखन से जुड़ी हुई हूँ, तो 50 साल के लेखन की जो साधना है, अनवरत साधना, उसका प्रतिफल निश्चय ही बहुत मीठा होता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।